लोग कहते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक किताब भी लिखी है किसी ने, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा प्राप्त करोगे करोगे। आखिर ऐसा होता कैसे है, ये आखिर ये जो साइंस है ये काम करती कैसे है, ये इस लॉजिक का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो मनुष्य शरीर है इससे आप जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी काम करवा लो, इस शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इस शरीर से करवाने में और इस शरीर से काम करवाने में और शरीर से काम ना करवाने में जो सबसे बड़ा बाधक या जो सबसे बड़ा सपोर्टर होता है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड को सही और गलत में फर्क महसूस करने की ताकत होती है। जैसे मैंने उस बच्चे के बारे में बताया कि जिस दिन वो बच्चे को ये लॉजिक समझ में आ जाएगा कि दांत चूहा नहीं ले जाता है, बल्कि दांत पुराने दांत जाते हैं, बच्चों के दूध वाले दांत जाते हैं और नए दांत एडल्ट वाले आते हैं, राइट, तो वो सही गलत का फर्क महसूस होता है किसको, कॉन्शियस माइंड को। बात समझ में आ रही है, वही जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बच्चे की तरह है। जो बच्चा का मन होता है ना, बच्चे का माइंड होता है, अरे बोलो हाँ तो ना, चिल्लाने की जरूरत नहीं, अगर बात समझ में आ रही तो बोलना। बच्चे के मन ने ये कैसे स्वीकार कर लिया कि दांत चूहा लेकर के जाता है, क्योंकि वो मासूम होता है, क्या होता है, मासूम होता है, उसे सही और गलत में फर्क महसूस नहीं होता, उसे सिर्फ एक भाषा समझ में आती है और वो भाषा होती है इमोशन की। किसकी भाषा, इमोशन की। वो इमोशन चाहे प्रेम का हो, वो इमोशन चाहे नफरत का हो, एक ही भाषा समझ में आती है। बच्चे को अगर हम डांट दें किसी गलती के ऊपर तो भी वो डर जाता है, और प्रेम करें तो भी वो स्वीकार कर लेता है, हर कंडीशन में वो स्वीकार कर लेता है, बस उसे इमोशन चाहिए। क्या चाहिए, इमोशन। इमोशन दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशन।